मेरा दिल कहता है जो लड़का मुझसे प्यार करेगा वो मेरे पंजाब की मिट्टी से भी उतना ही प्यार करेगा जितना मैं करती हूँ। अब इतनी अकल तो होगी उसको। ओ यार अकल कब आएगी तुझे? पति पुत्र। हाँ मम्मी यहाँ ऊपर आते हैं। ओए सुन चल चल खड़ा हो चकदे फट्टे। मैं चल रहा हूँ पर बात आप ही करोगे। अबे चलना मम्मी से बात करी। अच्छा मम्मी फतेहवीर ने आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। पति मम्मी 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 आराम से आराम। फतेहवीर ने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ दस ना पुत्र की जरूरी गल करनी है। अरे मम्मा छोड़ो इसको आप बताओ आपने क्यों बुलाया था मुझे? अरे वो अमृता आंटी का ना कुछ सामान भिजवाना है। हाँ। वो दे पुत्र जाके। अरे जा। मम्मी बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हाँ तो बोल ना पुत्र मैंने बीजी को चाय भी देनी है। अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो। मम्मा हाँ बोल। चाय पत्ती पड़ी है ये है तेरी जरूरी बात? आज बात ना करे तो कभी नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता। बोलो मम्मा। हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है। टूर्नामेंट की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। इस बार ट्रॉफी मैं ही जीतूंगा। बड़ी चंगी गल है पुत्र शाबाश लगा रहे। मम्मा मैं सोच रहा था ना कि मैं आपके लिए मतलब अपने लिए मैं ना एक बीजी जिंदा रहे किन्ना सियाना साडा मुंडा है। ट्रॉफी ले आऊं मैं अपने लिए। मेहनत कर रहा हूं तो जीतूंगा ना मैं ट्रॉफी। ठीक है मेरा बच्चा ट्रॉफी लेके आ तू। और तू मैं भी ट्राई करूंगा। अच्छा नहीं करेगा। अच्छा चल एक बार अमृता आंटी का सामान दे अब फिर कर लियो जो जरूरी बातें करनी है मुझसे। ले जल्दी दिया पुत्र। हाँ। है चलो है? फोन है थोड़ा। कौन है? कोई पिंदा जी है यूथ फेडरेशन से। पिंदा ये पकड़। हाँ पिंदे बोल। फतेह यहाँ बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। मैं आ रहा हूँ अभी। उसकी तो क्या वो है नहीं पकड़। मुझे आपको क्या लगता है मैं अपनी गुड़ियों से प्यार नहीं करती? और जी मैं जान भी दे सकती हूँ उनके लिए। उनके लिए नहीं कनेडे के लिए क्योंकि तुम सबको कनेडे के सिवा तो और कुछ नजर ही नहीं आता। ओ जी ऐसा कुछ नहीं है जी। तुझे तो पता है ना सती तेरे इस कनेडा वाले सपने के चक्कर में मैंने कितना कुछ कुर्बान किया है कितना कुछ सहा है मैंने मेहमान सम्मान मेरी पहचान सब कुछ खो गया तेरे इस कनेडा वाले सपने के चक्कर में। खैर मेरे साथ जो हुआ सो हुआ पर मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ओए तू झूठ बोल के ब्याह कराने चली थी ना उन दोनों का पर जरा सोच पर अगर मुंडे वालों को बाद में पता चलता तो वो दोनों कुड़ियों को घर वापस भेज देते लेकिन तुझे फिर भी कोई परवाह ना होती क्योंकि तुझे तो ना तो तेजो की फिक्र है और ना जैस्मिन की। ऐसा नहीं। ओ बिंदे क्या हुआ प्रैक्टिस क्यों बंद है? प्रॉब्लम है यार। मैच कब है? सैटरडे को। लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है। लेकिन ये लेक्चरर तो मान ही नहीं रही। तुमने उसे बोला नेशनल टीम में सेलेक्ट होने के लिए मैच कितना इम्पोर्टेंट है? भाई सब कुछ बोल के देख लिया लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। Coming, ma'am. So today's topic is
इंटेलिजेंस। Well, according to Lewis, there are 8 types of intelligence in every human being. Okay, Mandeep, you tell me, what is intelligence for? Miss Tejo Sandhu ki file mein di gayi har ek information galat aur jhooti hai. Tejo Sandhu ko disqualify kiya jata hai. Fateh Singh Virk, Sports Federation da president, पंगा लगता है कोई? वाओ, मैं सोच रहा था कि इतने बढ़िया कॉलेज में इतने घटिया लेक्चरर्स कैसे हो सकते हैं? How dare you enter my class? और तुम्हें तमीज है या तमीज? मैडम आपके मुंह से ना ये शब्द शोभा नहीं देता है। मैं सोच रहा था ऐसे कौन से लेक्चरर्स हैं जिन्हें देश के लिए खेलने की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन अब सब क्लियर है। तुम्हें यहाँ अंदर आने किसने दिया? तुम जैसी घटिया और सेल्फ सेंटर्ड लड़की कनाडा जाने के लिए घटिया से सर्कस में अपनी नुमाइश कर सकती है, तो उसे क्या पता देश के लिए खेलने का मान सम्मान क्या होता है? What? क्या बकवास? ओह मैडम, तुसी तो पढ़ो एनआरआई, ब्याह करो तो जाओ कनाडा। क्यों इतना बेचारी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो? लिसन, ये तुम्हारी लेक्चरर एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है। मैडम आप सिखाओगी इंटेलिजेंस ने? जिसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं है, जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो सिखाएगी इंटेलिजेंस? I say shut up and get out of class right now. अंग्रेजी बाबू की देसी मैम, चंडीगढ़ बॉल, यही था ना? चंडीगढ़ बॉल नाम सुना है तुम सबने? वहां से बेइज्जती करा के आ रही है तुम्हारी मैडम। सॉरी तो हमें बोलना चाहिए जो आप जैसी झूठी फैमिली के साथ हमने रिश्ता बनाने की सोची। अपने फॉर्म में एक एक चीज गलत और फ्रॉड लिखी है इन्होंने। I say shut up and get out of my class। कनाडा जाने की इतनी भी क्या आ गया आपको? खाएंगी इंडिया का और जाएंगी कनाडा। दफा हो जाओ मेरे क्लास से अभी के अभी। दफा कौन होगा ये तो तुम्हें अब पता चलेगा। ओ बंदे, खूब प्रैक्टिस करो अब, किसी का बाप भी तुम्हें रोकने नहीं वाला। सच्ची? मतलब काम हो गया? हो गया। जाओ प्रैक्टिस करो। काम तो अब होगा। किस टाइप के लड़के ये तो मैं उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुमने मुझे वो चिट्ठी भिजवाई थी। ओह मैडम, वो चिट्ठी मैंने किसी और के लिए। Just shut up and listen। उसके बाद मॉल में जब मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तब हर्ट हुआ तुम्हारा मेल ईगो, जिसका बदला तुमने अभी अभी तमाशा बना के ले लिया। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस चीप और गिरी हरकत से मैं डर जाऊंगी, टूट जाऊंगी, रोने लगूंगी? हाँ कि हाय हिन्ना रिच मुंडा, दिखता भी ठीक है नाली जीप भी है। मैंने इतने अच्छे मुंडे को रिजेक्ट कर दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? For your information, उस दिन मॉल में मैं किसी और से मिलने गया था।
और वो चिट्ठी भी मैंने किसी और के लिए भिजवाई थी। And by the way, जिस बंदी की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारी तरह कनाडा के वीजे के पीछे पागल नहीं है। हो गया है, कुछ और भी पकना है। बहुत बाकी है अभी। ये जो तुम सुलग रही हो ना, उसका रीजन मैं नहीं हूँ। वो चंडीगढ़ में तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ना, वो है। मेरे मुंह मत लगाओ, चलो। और आज के बाद तुमने इन्हें प्रैक्टिस करने से रोका ना, तो कॉलेज में जुलूस निकलवाऊंगा तुम्हारा। वीरे लगता है फतेह गिल मैडम की जगह तेजू मैडम नाल पंगा कराया। अरे यार फतेह। ओ बिंदे, डर मत इससे, कुछ नहीं कहेगी। वैसे भी ज्यादा दिन टिकना नहीं है इसे, जैसे कोई एनआरआई कबूतर मिला फुर हो जाएगी। तुम्हारे जैसे रईस आवारा और चीप लोगों को क्या पता कि बंदे को अपनों के लिए, उनके सपनों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। उस कंपटीशन में मैं अपनी खुशी से नहीं गई थी, और वो झूठ भी मैंने नहीं, मेरे परिवार वालों ने बोला था। पहले मुझे प्रेशर में डाल के वहां ले गए, और सबके सामने झूठ बोल के मेरी बेइज्जती कराई। मुझे कोई शौक नहीं है कनाडा जाने का। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी कनाडा की जॉब ऑफर रिजेक्ट करके अपना पंजाब चूज किया था। खैर, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? तुम क्या समझोगे? गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत में लिखे ही तुम्हारे जैसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ बेइज्जतियां करना आता है। मैंने जो अभी कहा और किया उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसी कोई हरकत की, तुम्हें बहुत अफसोस होगा।